नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको वैवाहिक जीवन की सभी परेशानी दूर करने वाले मंगला गौरी व्रत कथा तथा उसके विधि विधान के विषय में बताएंगे। हम आपको बताएं इस मंगलकारी व्रत के विषय में, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, यह व्रत सावन माह के पहले मंगलवार से शुरू होता है और श्रावण के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन सभी में मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में माँ गौरी की पूजा की जाती है। मंगलवार को इस व्रत को करने के कारण इसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन में सभी विघ्न बाधा दूर करने के लिए करती हैं। दर्शकों, जिस जातक की कुंडली में मंगल दोष हो उनके लिए यह व्रत मंगल दोष खत्म कर मंगलदायी सिद्ध होता है। इस व्रत में मां मंगला की पूजा कर कथा श्रवण करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और व्रती महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को यदि आप एक बार कर लें तो लगातार 5 वर्ष तक किया जाता है। 5 वर्ष बाद इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। इस व्रत को करने वाली महिला को सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर पूजा स्थल को लीप कर अथवा गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करें। एक चौकी या पट्टा रखें, उस पर सफेद रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं, कपड़े पर चावल रखें, उन चावलों के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, फिर 16 ढेरी गेहूं की बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर सतिया बनाएं, एक थाली में चकला रखें, उस पर माँ गौरी की प्रतिमा रखें, चाहे वह धातु की हो या मिट्टी की। यदि आपके पास गौरी माँ की प्रतिमा नहीं है तो मिट्टी की गौर बना लें और उस मूर्ति अथवा प्रतिमा का श्रृंगार करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माँ गौरी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और माँ को समस्त सुहाग सामग्री प्रदान करें। इस प्रकार माता रानी का 16 उपचार पूजन करें। 16 चावल के दाने, 16 दाल के दाने, 16 पान, 16 सुपारी, 16 दाने चावल के एक दीपक में डालकर मंगला गौरी के सामने जलाएं। इस प्रकार पूजा कर माता रानी के 16 परिक्रमा लगाकर माता रानी की कहानी सुने या सुनाएं। इस दिन एक ही प्रकार के अनाज का सेवन करें। इस दिन नमक का प्रयोग वर्जित है। बायने में 16 लड्डू निकालकर सासू माँ के पैर छू कर दें। दूसरे दिन माँ मंगला गौरी को तालाब या कुएं में विसर्जित कर भोजन करें। यह व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान कर सुख समृद्धि देने वाला है। इस व्रत को प्रत्येक नारी को अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। आइए माता रानी की कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक ही थी कि सेठ के कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। संतान प्राप्ति के लिए वह पूजा पाठ दान पुण्य करता था। नित्य शिवालय जाकर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता। उसकी पूजा पाठ से खुश होकर माँ पार्वती ने सेठ धर्मपाल को दर्शन दिए और सेठ से वर मांगने के लिए कहा। सेठ बोला, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, संतान न होने के कारण धन वैभव सब बेकार है। माँ मुझे एक संतान का वर दीजिए। सेठ की बात को सुनकर माता पार्वती बोली, तुमने असंभव वर मांगा है जो तुम्हारे नसीब में नहीं है। यद्यपि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे रही हूँ। जो पुत्र तुम्हारे होगा उसकी उम्र 16 वर्ष होगी। यह कहकर माता रानी अंतर ध्यान हो गयी। माँ के आशीर्वाद से धर्मपाल के एक अति सुंदर बालक की प्राप्ति हुई।
परंतु उसे न कोई शोक हुआ न दुख। भाग्य में यही है, यह सोचकर धर्मपाल अपने दैनिक कार्य पूजा पाठ वो पहले से भी अधिक भक्ति के साथ करता रहा। जो भी होगा भगवान के भरोसे छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण भगवान की अमानत समझकर करने लगे। जैसे जैसे पुत्र बड़ा हो रहा था वैसे वैसे धर्मपाल की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पुत्र का विवाह एक संस्कारी कन्या देखकर कर दिया। शायद कन्या के नसीब से उसका भाग्य बदल जाए। देव योग से उस कन्या की माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी और विवाह के बाद उसने अपनी पुत्री को भी मंगला गौरी के व्रत करने की प्रेरणा दी। उस मंगला गौरी के व्रत के परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धर्मपाल और उसकी पत्नी ऐसी संस्कारी और सौभाग्यशाली बहू को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। जब बहू का मंगला गौरी का व्रत पूरा हो गया तो सेठ सेठानी ने बड़ी धूमधाम से व्रत का उद्यापन करवाया। दर्शकों, इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जिन कन्याओं की कुंडली में मांगलिक दोष होता है इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दोष खत्म होकर खुशहाल वैभव जीवन की प्राप्ति होती है और माता रानी की कृपा से संस्कारी और दीर्घ आयु वाली संतान की प्राप्ति होती है। दर्शकों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।